नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर अपने चैनल सनी नल पर स्वागत करता हूँ सभी भवन का। आज मैं फिर से हाजिर हूँ कि नई जानकारी के साथ। गुरु बिना सिद्धि काम कर सकती है या नहीं, गौर से ये वीडियो देख लेना और सुन लेना, समझने की कोशिश करना। जो लोग बिना गुरु के चलते हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो कारगर सिद्ध होगा। 9891-52-70 मेरा नंबर है, लेकिन लाइव स्ट्रीम में आप लोग मेरे साथ फ्री में बात कर सकते हो, बाकी की सर्विस पेड है, साधन अनुसार ही चार्ज रहता है। अब बात करते हैं, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्त्री हो चाहे कोई भी पुरुष हो, जब वो बिना गुरु के चलता है तो बिना गुरु के क्या उनकी साधनाएं जो वो सिद्धियां करता है, जो मंत्र जाप करता है, पूर्ण रूप से कार्य कर जाती हैं? तो मैं आपको बताऊं तो आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, अगर मैं अपने हिसाब से उत्तर दूं तो मुझे नहीं लगता कि बिना गुरु के आपके ऊपर जो है पूर्ण रूप से हाजिर हो सकती हैं या ये चीज़ें आपके ऊपर कार्य करती हैं। क्योंकि गुरु के द्वारा जब आपका मार्गदर्शन किया जाता है, गुरु के द्वारा आपको जब कोई चीज़ बताई जाती है, गुरु जब आपको कोई साधना सिद्धि अथवा कोई किसी प्रकार की चीज़ या शक्ति देते हैं, और गुरुओं के द्वारा जो आपको ज्ञान मिलता है वो गुप्त है, वो अनमोल है, उस ज्ञान का कोई भी मूल्य आप लोग नहीं चुका सकते हो। गुरु ने कोई भी साधना दी है, गुरुमुख से आपको कोई मंत्र मिला है, वो गुरु के द्वारा तपाया गया मंत्र है, गुरु के कहने पे ही वो एनर्जी आपके पास कार्य करती हैं, वो आपके जो मन की इच्छाएँ मुरादें हैं उनको पूर्ण करती हैं। अगर आप बिना गुरु के चल रहे हैं, आप कोई साधना सिद्धि कर रहे हो, तो आप लोगों को मान लो कोई सिद्धि मिल भी गई है, थोड़ा बहुत आपको प्राप्त हो गया, या देवता ने आपको बोल दिया है कि मैं आपके काम करूंगा, तो आप लोग जो चलो, लेकिन फिर भी आप जब दुनिया के काम करोगे आपको अटपटे सपने दिखाई देंगे, जिन पहेलियों का उत्तर आपके पास नहीं होगा उसके लिए भी आपको गुरु की आवश्यकता पड़नी है। गुरु बिना कोई भी व्यक्ति जो है साधना के क्षेत्र में सफल नहीं हो पाया, तो इसीलिए ज्यों के गुरु के सानिध्य में ही साधना सिद्धि करें। और गुरु के बिना अगर कोई व्यक्ति चल रहा है, अगर अभी तक उसने साधना में सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, या साधना में सफलता प्राप्त नहीं कर पाया, तो जितनी जल्दी हो सकता है आप अच्छे गुरु के सानिध्य में चलें। अगर कोई व्यक्ति भ्रमित होके ये सोचता है कि मैं बिना गुरु के चलूँगा तो मुझे गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं गुरु के बिना ही साधना में सफल हो जाऊँगा, तो उन लोगों को भी मैं बताना चाहता हूँ कि गुरु के बिना आज तक ना तो कोई व्यक्ति सफल हो पाया है और ना ही व्यक्ति कोई सफल हो पाएगा। क्योंकि गुरु के द्वारा जो आपको ज्ञान मिलता है वह अनमोल है, उस ज्ञान का कोई मोल नहीं चुका सकता है। गुरु दीक्षा लेकर साधना के क्षेत्र में जो व्यक्ति चलता है, उस व्यक्ति का जितना भी लेखा जोखा होता है वह गुरु के पास होता है, उस व्यक्ति के ऊपर कोई नेगेटिव चीज़ नहीं आ सकती है, क्योंकि गुरु आड़े आ जाता है। और उस व्यक्ति के द्वारा जब किसी का काम करा जाता है, उस चेले के द्वारा जब किसी का काम करा जाता है, जिन लोगों ने गुरु दीक्षा ले रखी है, अगर चेले के बस की नहीं होगी बात, तो गुरु स्वप्न में आके उसको दिखाई देगा और गुरु जो है वह कार्य कर जाएगा। और जिन लोगों ने गुरु धारण नहीं कर रखे हैं, डायरेक्ट देवता पकड़ रखे हैं, कभी ना कभी किसी न किसी प्रकार से ऐसी मुसीबत में फंसते हैं जिस मुसीबत का उनको तोड़ उत्तर नहीं मिल पाता है। इसीलिए योग्य गुरु के सानिध्य में साधना करने से आप लोगों को वो फल प्राप्त होगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। 9891-52-70 मेरा नंबर है। सभी धर्मों का आदर्श अर्पण करते हुए व्यक्तिगत दायरे को ध्यान में रखते हुए मेरा काम आप लोगों को जानकारी देना है। कोई व्यक्ति अगर बोलता मेरे अकाउंट में पैसे डाल दो, मैं इनका चेला बोल रहा हूँ, तो 1 रुपया मत देना भाई, क्योंकि 9891-59-5270 मेरा नंबर है। इस पर मेरे साथ डायरेक्टली बातचीत कर सकते हो। चैनल के वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब शेयर करना, गुरु गोरखनाथ चैनल को भी सब्सक्राइब करना। आदेश आदेश, जय गुरु गोरखनाथ।